13 नवंबर 2005 को जहानाबाद जेल पर हुए नक्सली हमले की दुस्साहसिक और हिंसक घटना आज भी रोंगटे खड़े कर जाती है। इस घटना की पृष्ठभूमि में सुधीर मिश्रा ने एक प्रेम कहानी बुनी, जिसे नाम दिया जहानाबाद ऑफ लव एंड वार। यह कहानी 10 एपिसोड्स की वेब सीरीज की सूरत में सोनी लिव पर रिलीज हो गई है। वेब सीरीज मुख्य रूप से जहानाबाद जेल ब्रेक की घटना को अंजाम देने की साजिश और तैयारियों का काल्पनिक चित्रण है, जिसमें प्रेम कहानी एक भूमिका अदा करती है। इसी क्रम में सीरीज ऊंच नीच, राजनीति, पुलिस और लेफ्ट के वैचारिक धरातल को छूते हुए आगे बढ़ती है, मगर गहराई में नहीं जाती। ना किसी के खिलाफ है और ना किसी के पक्ष में। जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर एक कसी हुई थ्रिलर सीरीज है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत लेखन के साथ कलाकारों का चयन और उनका अभिनय है। कहानी। अभिमन्यु सिंह जहानाबाद के डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर है। वह पटना से वहां नौकरी करने आया है। बीए तीसरे साल की छात्रा कस्तूरी मिश्रा पहली नजर में ही उस पर आसक्त हो जाती है। अभिमन्यु उसकी भावनाएं समझता है, मगर उसका टीचर होने की वजह से झिझकता है। इसी कड़ी में अभिमन्यु की मुलाकात बीए थर्ड ईयर की छात्रा कस्तूरी मिश्रा हर्षिता गौर से हो जाती है। ऐसे में अभिमन्यु को कस्तूरी से पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों झिझकते हुए एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। हालांकि कस्तूरी के घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं, जिसके बाद कस्तूरी सबको अपने और अभिमन्यु के बारे में अवगत कराती है। ऐसे में दोनों की जाति अलग होने के कारण कस्तूरी के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन कुछ समय में दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कस्तूरी का रिश्ता लेकर अभिमन्यु के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि अभिमन्यु के माता पिता न होने वजह से उसके मामा दोनों का स्वागत करते हैं। एक तरफ जहां अभिमन्यु और कस्तूरी की लव स्टोरी परवान चढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ जहानाबाद जेल में बंद नक्सली दीपक कुमार को छुड़ाने के लिए बड़ा हमला किया जाता है। इस दौरान अभिमन्यु और कस्तूरी की प्रेम कहानी में भी नया ट्विस्ट देखने को मिलने लगता है, जिसे बेहद खूबसूरती के साथ स्क्रीन पर दर्शाया गया है। राजीव बर्नवाल और सत्यांशु सिंह के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में प्यार और हिंसा का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वेब सीरीज दर्शकों को बिल्कुल बोरिंग महसूस नहीं होती है।